अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वडक्कम। मेरे ख्याल से आप लोग जो है सो सुकून से है, आराम से घरों में बैठे हुए होंगे और अकेलेपन का मजा ले रहे होंगे। मेरे को भी क्या है, बोर मार रहा था तो मैं सोचा आप लोगों को एक छोटी मोटी कहानी सुना देंगे जिससे आप लोगों को जो है सो थोड़ा अच्छा मिलता, थोड़ा टाइम पास भी होता आप लोगों का। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा पूरा एंड तक देखो, आप लोगों को मजा आता। और मैं एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप लोगों तक वो मैसेज पहुँच जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कहानी पूरी फिक्शनल है, ऐसी मैं बनाया आप लोगों को समझाने के वास्ते, आप लोगों को सुनाने के वास्ते। तो फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसका नाम है याकूब। उसको जो है सो कोरोना वायरस है, और ये बात याकूब को भी नहीं मालूम, कोई को बोलते चेक नहीं करे हमारे भाई। तो अब क्या करे, उन्होंने जनता कर्फ्यू थी कल संडे को 22 तारीख को, तो आज मंडे, आज जो है सो उनको ऐसा कहा है बैठे, उन्होंने बोल के ना उठे, अलहमदिल्ला बोल दबा के खाना वगैरह घर में पकाए देंगे अम्मा, अच्छा कुछ नहीं। तो बैठे एक घंटा, आधे घंटा, दो घंटे, 10, 11, 12 बजे उनको जो है सो लगा के, भाई अब नहीं हो सकता, नहीं अब मैं अकेला नहीं बैठ सकता, बोर मार रहा होती उनको ऐसा दिख गया। दिखते कि उन्होंने सोचा किसको फ़ोन करूँ, तो उन्होंने बोले हाँ साजिद को फ़ोन करेंगे। साजिद को फोन मारे, हाँ बड्डे साजिद कहाँ यार, और कहाँ ना सुहाते दिखे ना, फोन बन नहीं आया तुम्हारा। बोलता नहीं यार, जरा वो जनता कर्फ्यू यहाँ तो घर में बैठे हुआ हूँ, जरा बाहर नहीं निकल। अरे यार तुम यार, अरे तुम्हारा, अरे अपन हैदराबाद ही यार, अपने को कुछ भी नहीं आता, तुम टेंशन ना लाओ, चबूतरे पर बैठेंगे। उन्होंने बोला नहीं, अरे 2 मिनट आ, अरे आके खाली एक बार आएगी, इंपॉर्टेंट बात बोलना है तू, अरे भाई तू मेरी बात को समझ, ऐसा बहाने बना के बुला लिया याकूब इसको साजिद। अब साजिद में आए और बट्ठे गए थे, हाथ मिले, गले मिले, और बहरहाल ऐसा ऐसा हुआ बात बात भी। अब क्या है, हमारे साजिद बहुत दूर से आए थे, उनको लगी प्यास, गर्मी भी देख रहे ना कैसी है। बोले यारो याकूब पानी नहीं पिलाते यारो, तो याकूब भाई सीधा अंदर गए, वही हाथों से बॉटल धोए, गिर 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 धो के पानी डाल के ले ले गए। अब पहले से हमारे याकूब बैगन में मिले हुए हैं, हाथ मिला के तो पहले बैगन में मिला दे, दूसरा पानी वही हाथों से बॉटल धो के उसमें पानी डाल के ला के पूरे को बैगन में मिला दी। ठीक है ना, याकूब भाई को मालूम ना, हमारे साजिद भाई को मालूम। बहरहाल दोनों बैठे खेले, ये वो जो भी खेलना था, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे 3 घंटे पकड़ लो, इससे ज़्यादा अपने लोग एक जगह नहीं बैठते, गारंटीड है। ठीक है, तो दोनों क्या करें, एक को फोन मारे, बोर मार रहा ना, तीसरा होना, फिर अब नया कुछ तो भी सुनने के वास्ते, सुनाने के वास्ते, तीसरे को फोन मारे, अरे ये पट्ठे कहाँ हैं, साजिद जावेद को फोन करें, और पट्ठे जावेद कहाँ हैं तू। तो बोला घर में बैठे हुआ हूँ रे भाई, मस्त एसी लगा के नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज देख लेते बैठे हुआ हूँ बोल के। बोल अरे यार पागल हो जा रहा हूँ, बाहर बैठे हुए कहा दोबारा तुम आओ, बाहर आओ। तुम्हारा जावेद बोला नहीं मैं नहीं आ रहा, तुम लगा बैठो उधर। तो बोला अरे ना यार हमला, अरे डर बोर मार रहा है, हमें हमला भी आ गया देखते तुम्हारे साथ नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज बोल के आए। आके पहले इन दोनों बैगने मिले हुए, इसके घर को जाके इसको बैगने मिला दी। तो अच्छा नहीं मालूम उन्हें बैगने मिल गया बोल के। अब उन्होंने कहा अरे बैठे हुए वो हुआ ये हुआ, फिर खुजली के भाई चाय पीने लगे यार, बहुत टाइम लगा, सर में दुख रहा, गिर गिर मार ले रहा, चक्कर आ रही मेरे। कौन बोलता है, याकूब नहीं तो साजिद बोलता। तो जाहिर क्या बोलता, अरे नक्करे भाई कहा जाते बैठे हुए संबंध है, पागल हो गया, कुछ भी नहीं मिलता, मैं घर में बनाने लगा था। अरे यार अपन हैदराबादी है, अपने को जो है घर की चाय चलती है, अपन ईरानी चाय पीने वाली थी, चलो तुम मिलती थी भाई की, वो दवा मैं दिलाता हूँ चाय, बोलिए ले लेके दबा को याकूब। तो अब गए दोनों बाहर, देखे तो इधर की होटल बंद, इधर की होटल बंद, उधर की बंद, उधर की भी बंद, पूरे बंद है होटल। तो ना बोले अब क्या करेंगे, साजिद फोन निकाल के मारता है किसको मारता है कुफोर, कई बोलता अपने दोस्तों में कैसा दोस्त रहता जो जासूस रहता, सब मालूम रहता, कौन सी दिकार कहाँ खुल रहा है, किसका क्या टाका चल रहा, कौन किसकी बच्ची को पटा रहा, कौन किसके भाई को छेड़ रहा, उसकी बहन को छेड़ रहा, सब मालूम रहता। तो उसको फोन मारता कहाँ है बट्ठे, अरे नहीं रे अरे चौरसते बट्ठे पूरे होटल बंदे यार, कहा तो मिर्री का चाहिए वो जासूस जो दोस्त है, बता अरे यार बैठे हुए पीछे से दे रहा, पीछे के दरवाजे से चाहिए जरा, अभी मान लेगा आओ तुम, मैं तुम्हारा दिला दो जाओ बोल के उन तीनों की चौथा बुलाया। अब इसको नहीं मालूम उन्हें मौत को दावत दे रहा। तो इन्हें जो है चार मिलते हलो है बड्डे गावा दे रहा, तो पीछे बोलते कि ये तो पीछे का तो दरवाजा है, वहाँ पे पहले ऑलरेडी 40 लोग हैं। ठीक है, उन लगा जो है सो उन लोगों को नहीं मालूम कि थोड़ी देर में उन लगे बैगन मिलने वाले हैं, पहली बात तो उन लगा आना नहीं था, अब आए तो आए बैगन मिलने के वास्ते हैं। तो ये चारों जाते हो 40 के पास, और वो जो दे रहा दुकान वाला उन्हें कहा थी पोखो में जितने ही सुराग में से दे दे रहा था, तो उसमें चार हाथ होते 40 हाथ होते, पट्टे कहाँ है वो, ये भाई बड़ा गल ब्लैक छोटा गल ब्लैक हमका ढिमका मट्ठी धूल वो ले लेते लो। वो चार के चक्कर में 40 बैगन में मिल गए, पहले एक था, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से सीधा 40। ठीक है, ये 40 जाते फिर किधर, तो ये क्या है, ये ऐसे लोग हैं जिसको कीड़ा है अंदर,
बैठ नहीं सकते हो लाइक जगह पे, तो ये 40 जाके सीधा सीधा इधर उधर मिले, पकड़ लो फॉर एग्जाम्पल 80, 40 से 80, 80 से 160, 160 से कितने होते 320, 320 से 640, 640 से 1280, समझे आप? ये एक दो तीन घंटे या चार से पाँच घंटे का मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिएक्शन इतना भयानक जो है सो चेन रिएक्शन होता खास करके वायरस का, तो ऐसे होते होते पूरे लोग बाजार में मिल जाते, समझे आप? मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये जो जनता कर्फ्यू है वो ऐसी है, देखो ऑटो वाले को सुन रहे आप गाने लगा लेके जा रहा, नहीं सुनते थे अपने लोग, नहीं सुनते इससे पहले भी सुनेंगे फिर गाड़ी वाड़े जा रहे सवाज, ये पूरा लाइव साउंड रिकॉर्ड हो रहा, तो ऐसे लोग हैं देखो घर में बैठे रहे बोले तो ऑटो ले लेके निकले हुए, कहाँ है भाई, किधर है अपन, किधर जी रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये हरकतों से जो है सो आज चाइना और इटाली बैगन में मिली हुई, उन लोगों के फर्स्ट और सेकेंड वीक में जो है सो सिर्फ 260 203 इतने इन्फेक्शन थे, मतलब अफेक्टेड या फिर एक्टिव केसेस थे, उल्लाना लाइटली क्या होता मसला वायरस है ना इन्फेक्शन गोली खा लेते चल रहा, ऐसा सोचे थे लगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। थर्ड फोर्थ वीक सॉरी फिफ्थ फोर्थ और फिफ्थ वीक का जो उनका रिजल्ट है, मतलब सीधा सीधा 200 300 से सीधा 21,000 30,000 40,000 आज की रिपोर्ट के हिसाब से 81,000 चेंज इतने इन्फेक्टेड लोग है एक्टिव केसेस है कोरोना वायरस के चाइना में, और 51,000-52,000 चिल्लर जो है जो इटाली के एक्टिव केसेस है, और जिसमें से ऑलमोस्ट 70-80% मिडिल केसेस है, मतलब मिडिल कंडीशन का भी, इधर भी उधर भी किधर भी हो सकते हैं, समझे आप? तो ये उनकी लापरवाही की वजह से बैगन में मिले हुए हैं। अभी अलहमदिल्ला हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं फैला, अगर हमारे हरकत यही रहे इधर उधर निकल रहे प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, वही होता जो उनका हाल हुआ, मतलब जो उनका हाल हुआ वो अपना ही हाल होता। इसके वजह से मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा नहीं एक हफ्ता आप लोग प्लीज़ अपने अपने घरों में रहो, किसी से मिलो मत, अगर आपको किसी से बात बात करना है तो प्लीज़ फ़ोन करके बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो यार, दिखता सामने बैठ के बात कर रहा पट्ठा बोल ऐसा, समझे आप लोग? तो बस यही बोलने के वास्ते मैं आपकी छोटी सी स्टोरी नरेट कर रहा था, ये भी स्टोरी बैठे बैठे दिमाग में आई, और ये जो हालात हैं जो देख रहा हूँ मैं, हमारे जो घर की गली है वहाँ पे इतनी पब्लिक नहीं रहती, मगर आज मैं देख रहा हूँ अरे ऐसा जा रहे लोग का तो भी जंगल डाया जा रहे। तो बस यही बोलना है आप लोगों से कि भाई आप लोग थोड़ा चीज़ों को समझो, ये जो जनता कर्फ्यू इसकी वैल्यू को समझो, और साथ दो हुकूमत का, हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है, अपनी जो इंडिया की गवर्नमेंट है जिस तरह से डिसीशंस ले रहे लोग, ठीक है, जिस तरह से वो लोग मतलब स्पॉन्टेनियस डिसीजन कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं नो डाउट कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, हम लोग है मतलब ऐसा उतना भयानक नहीं है अपने पास, बट अगर ऐसा ही रहा हो तो हो गया समझ हो जाता नो डाउट, और अभी तक इसका कोई वैक्सीनेशन या किसी तरह की कोई मेडिसिन या कोई ड्रग इसके लिए आया नहीं, तो मतलब क्या है ये ऐसी बीमारी जिसका फिलवक्त कोई इलाज नहीं है, तो इसके वास्ते दूर रहो खुश रहो, दुआ करो कि जितने भी लोग एक्टिव केसेस है कोरोना वायरस के जिधर भी दुनिया में, चाहे वो कौन से भी मजहब का चाहे कौन से भी जात का होगा, उसके वास्ते थोड़ी सी दुआ करो, और क्या है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आप लोग जो है सो दूर रहो खुश रहो, दूसरों को भी तकलीफ नको दो, खुद भी बगैर में नको मिलो, जिस तरह से स्टोरी में आपको सुनाया भाई खुश भी करने वाले बहुत लोग आ रहे थे, बस यही आप लोगों को समझाना था। तो अगर आप लोग हमारी स्टोरी अच्छी लिखी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो, और आपको कुछ बोलना है कुछ बताना है कुछ पॉइंट्स है तो प्लीज़ शेयर करिए आप, और अगर आप लोग चाह रहे कि मैं अभी क्या है ये वीडियो मतलब ये वीक में तो शूट कर नहीं सकते हम लोग, करना भी नहीं चाह रहे क्या है बगैर में मिलना नहीं है, तो इसी तरह का हमारा कन्वर्सेशन रहेगा, इसी तरह से हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। देखो ऑटो वाला जा रहा है, देखो कैसा जा रहा, देखो आप आवाज़ सुन रहे ऐसे है अपने लोग, खैर आप लोग तो कोशिश करो एक 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 करके सुनते क्या है सब लोग एक जैसे तो रहते नहीं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ना समझने की कोशिश करेंगे वैल्यू ऑफ दिस यू नो द जनता कर्फ्यू बहुत ज़रूरी है भाई, समझो चीज़ों को। तो बहरहाल लाइक कमेंट शेयर करो, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनको समझाओ बताओ बिठा के देखो रे ऐसा नहीं ऐसा है, फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग पे जाके मिलकर उनका समझाओ भाई ने मिलना है, तो मिलते रहेंगे ऐसी ये हफ्ते तक, जब तक ऐसा रहा जब तक क्या से राइट, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ विद मी, #with me, बाय बाय, खुदा।